हाय फ्रेंड्स, यामी फूड बाय मृदुला पे आपका स्वागत है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल एक कर दिखाने जा रहे हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा वाइट ऑयल ले लीजिए। ऑयल जब गर्म हो जाए उसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर एंड हाफ टी स्पून नमक ऐड कीजिए। अब उसी ऑयल में बॉयल्ड अंडे ऐड कीजिए। अंडे को थोड़ा काट के ऐड कीजिए, नहीं तो अंडे फट सकता है। अब अंडे को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कीजिए। अंडे जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तब ऑयल से निकाल लीजिए। अब उसी ऑयल में तेज पत्ता हाफ टी स्पून होल ज़ीरा ऐड कीजिए। थोड़ा सा फ्राई कीजिए। कलर के लिए हाफ टी स्पून शुगर ऐड कीजिए, ऑप्शनल है। शुगर जब पिघल जाए 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कीजिए। थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अब उसी ऑयल में 4 बिग साइज स्लाइस अनियन ऐड कीजिए। अनियन को थोड़ा फ्राई कीजिए। अनियन जब थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसमें 2 टीस्पून अदरक पेस्ट, 2 टीस्पून लहसुन पेस्ट ऐड कीजिए। 1 बिग साइज टोमेटो पेस्ट ऐड कीजिए एंड थोड़ा सा फ्राई कीजिए। अब 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक ऐड कीजिए। अब मसाले को अच्छे से फ्राई कीजिए। मसाला जब अच्छे से फ्राई हो जाए फिर उसके अंदर 1 कप पानी ऐड कीजिए। अब मसाले को ढक दीजिए। कुछ देर ढकने के बाद मसाला जब ऑयल छोड़ने लगे उसके अंदर फ्राई किए गए अंडे को ऐड कीजिए एंड थोड़ा सा मिक्स करने के बाद फिर से ढक दीजिए। अब ढक्कन हटा के देख सकते हैं मसाला और अंडे अच्छे से पक गया। जब पूरी तरह पक जाएगा ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड कर दीजिए। तैयार हो गया अंडे करी। रोटी, राइस और पराठा के साथ सर्व कीजिए। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।